उज्जवल रंग के कपड़े, तरह तरह की भावनाएं और रंगीन व्यंजन। नहीं, हम कोई पेंट फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की हमारे रंगीन खाद चुनौती की बात है। यह बहुत अच्छा दिन है, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है और साथ ही साथ कुछ मीठे का आनंद भी ले रहा है। और फिर वही होता यह है कि अब स्कीटल्स के अलावा और कुछ नहीं बचा है। 3 लोग और 1 पैकेट, यह अच्छा नहीं है। लगता है कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, हमारा गिरोह, आप एकदम स्किटल्स की तरह बन गए हैं, जिसका मतलब है कि बहुत उज्जवल और रंगीन, और इसका मतलब है कि अब वो एक चुनौती के लिए तैयार है और वह इंद्रधनुष के रंग का भोजन का आनंद भी लेंगे। चलो खेल शुरू करो, हमारे प्रतिभागी आज खाएंगे एक लाल मिर्च, एक सीवीड सैलेड और फ्रेंच फ्राइज। फ्रेड आज की चुनौती शुरू करना चाहता है। किसी को भी उसके व्यंजन से जलन नहीं हो रही है, वो मिर्च तो काफी तीखा लग रहा है। चलो यार, तुम यह कर सकते हो। फ्रेड एकदम एक बम के फूटने जैसे के पहले जैसा लग रहा है। एक छोटी सलाह उनके लिए जो कुछ तीखा खाते हैं, पानी पीकर अपने मुंह के आग को बुझाने की कोशिश ना करें, दूध इससे 1000 गुना बेहतर काम करेगी। अगला है सीवीड, जो हेली के स्वेटर के साथ एकदम जच रहा है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर तो नहीं लग रहा है कि उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है। एक दिलचस्प बात बताती हूँ, सीवीड में दूध से बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सब लोग रेचल के फ्रेंच फ्राइज के प्लेट के लिए तैयार हो जाओ। इस दौर में तो वह किस्मत वाली निकली है ना, कुछ फ्राइज भी थोड़ा केचप लगा कर खाना तो बदबूदार सीवीड से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा, लेकिन बिल्कुल भी उतना पौष्टिक नहीं। जो भी हो, रेचल को अभी मजा करने देते हैं, कौन जाने आगे उसे क्या मिलेगा। दूसरे दौर की ओर बढ़ते हैं। जब तक फ्रेड को पहले दौर की ही चिंता हो रही है, मिर्च की जलन तो काफी देर तक रहेगी। इस बार पासा पलट गया है रेचल के लिए और अब वो एक ब्रोकली के टुकड़े को देख रही है। हेली के लिए भी चीजें बदल गई हैं और उसके लिए तो कुछ मीठा रखा है सच में। ब्रोकली, छी, ये चीज कौन पसंद करता है, लेकिन अगर सच कहूँ तो यह पौष्टिक खाना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा, तो ठीक ही है। लेकिन रेचल को चेहरे को देखकर लग रहा है कि इस जानकारी को सुनकर उसका व्यंजन और स्वादिष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इधर हमारी प्यारी दोस्त के चेहरे पर तो मुस्कान छाई हुई है, उसके सीवीड सलाद के बाद एकदम अच्छा कुरकुरा पुरस्कार मिला है। फ्रेड तो प्रतीक्षा करके मरे जा रहा है और अब उसे वो ढक्कन उतार कर अफसोस हो रहा है। उसके नीचे एक बहुत ही खट्टा नींबू रखा था, बहुत बुरा हुआ यार। एक बार उस खट्टे पीले फल खाने के बाद जो चेहरा वो बना रहा है देखकर तो वो बेशक एक लाइक का हकदार है। उनसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए लाइक कीजिए, हमारे दोस्त का साथ दीजिए।
इस दौर में हमारे प्रतियोगी के लिए क्या है? छोटे तरबूज कैंडीज, एक सेब और चीज। छी, वो चीज कम बल्कि एक खतरनाक केमिकल हथियार है। शुक्र है कि वीडियो से किसी चीज की गंध हमें नहीं आएगी। आज का दिन फ्रेड के लिए नहीं है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है यार। जब तक हमारा दोस्त वो चीज का बड़ा टुकड़ा खा रहा है, हैली और रेचल भाग रहे हैं ताजा हवा के खोज में। लेकिन अगर वो अपने नाक को बंद करता है तब लगता है कि उसका चीज उतना बुरा नहीं है। थोड़े से कष्ट को सहने से तो उसकी लॉटरी लग गई। अब वह हैली के छोटे तरबूज कैंडी और रेचल के सेब का पूरा मजा ले सकता है। हम इस दौर को अकेले वाला दौर बुला सकते हैं। सब तुम्हारा है फ्रेड। और कृपया उसके खिलाफ कुछ कहिएगा मत, फ्रेड इन सब का हकदार है। चलिए इस दौर को फल और सब्जियों का दौर पुकारते हैं। हमारे पास एक टमाटर, थोड़ा अनानास और एक एवोकाडो। फिर से फ्रेड को बधाइयाँ। लड़कियाँ तो अपने प्लेटों के साथ बिल्कुल खुश नहीं लग रही हैं। तीखे लाल मिर्च और बदबूदार चीज के बाद अनानास खाकर लग रहा है कि पृथ्वी पर स्वर्ग आ गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हैली को अपने टमाटर के साथ दिक्कत हो रही है, जरा रेचल को अपने आधे एवोकाडो के साथ देखिए। सच सच कहूँ तो इसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। एक अच्छे पके हुए एवोकाडो से बेहतर और कुछ नहीं होता है। लेकिन स्पष्ट रूप से रेचल को ऐसा नहीं लगता है, लेकिन यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। अरे लड़कियों, फ्रेड के लिए तो खुश हो जाओ। इस वक्त तो वो अनानास का सहनसा है, लेकिन यह जल्द ही बदल सकता है। स्प्रेड वाले जंग में आप सभी का स्वागत है। आपके बाएं ओर है बहुत ही तीखा बसावी, बीच में सरसों और दाएं ओर है जैम। फ्रेड अपने कार्य से बच नहीं सकता है और वह तुरंत अपने दांतों को अपने खाने में घुसाता है। नाश्ते के लिए उतना अच्छा नहीं, लेकिन आज जो सब फ्रेड ने खाया है उससे यह उतना बुरा नहीं है। रेचल ने अपना ब्रेड और स्ट्रॉबेरी जैम खाया और उसके चेहरे की खुशी देखिए। अंत में आ वसाबी, जिससे हैली के चेहरे पे खुशी तो नहीं आएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि वह स्पष्ट रूप से रेचल या फ्रेड के साथ अपना प्लेट बदलना चाहती है, जो दोनों उसे देखकर हंसे जा रहे हैं। और यह सब के ऊपर फ्रेड ने हैली को अपने तीखे सरसों वाले भोजन का एक बाइट दिया, और इस जोड़ी से तो कोई भी मर जाएगा। हैली इस दौर को बिल्कुल भी खुशी खुशी याद नहीं करेगी, बेचारी लड़की। अब हम आखिरी दौर में आ गए हैं। हमारे दोस्तों के सामने है सेलरी स्टिक्स, बेबी कॉर्न और एक बड़ी सी मीठी स्ट्रॉबेरी। जैसा कि कहा जाता है, जो अंत में हंसता है वो सबसे जोर से हंसता है, और हैली इस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर रही है। कमाल होता है ना जब आपको कुछ मिले जो दोनों स्वादिष्ट और पौष्टिक हो। लेकिन सच में उसके वसावी और सरसों खाने के बाद आप उसके स्ट्रॉबेरी के आनंद लेने में कोई मना ही नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए भी कि वो बाकी दोनों दोस्तों का मजाक उड़ा रही है। फ्रेड ने अपनी चुनौती जबरदस्ती बिना कोई उत्साह के साथ अपने मकई को खाकर खत्म किया। आप जरूर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते होंगे जिसे सैलरी के स्वाद से नफरत हो। उसके तो माइक, क्या तुम सभी नियमों को तोड़ने के लिए तैयार हो? मैं तो कब से तैयार हूँ, भूख हड़ताल को छोड़कर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से आज भूखे नहीं रहोगे, तो फिर तैयार हो जाओ माइकी।
चलो फिर एक क्लासिक के साथ शुरुआत करते हैं। एक अच्छा हैम और चीज सैंडविच के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छे से रख दिया और अब मेयो की जरूरत है और बस खाने के लिए तैयार। रुको, आज तुम्हें मेयोनीज के बदले व्हिप क्रीम दी जाएगी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं माइकी मेरे दोस्त, इस सैंडविच पर कौन डालेगा? जिसने आज चुनौती में भाग लेने की हिम्मत की है वो तुम हो। धन्यवाद कैप्टन, जाहिर है कोई ना नुकुर नहीं महाशय, तुम्हारे पास ना कहने का मौका था पर तुमने नहीं किया और अब तुम पीछे नहीं हट सकते। चलो मैं समझ गया, शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे सैंडविच होना चाहिए और घरों की तरह सैंडविच को ठीक से बनाया जाना चाहिए। और यह रहा, अब यह तैयार है, भोजन का लुत्फ उठाओ। ओह हाँ, आज ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, पर मैंने चुनौती स्वीकार की है और मैं भूखा भी हूँ, इसलिए अब खाने का समय आ गया है। वाह, जीवन मुझे कभी विस्मित करना नहीं छोड़ता है और यह पता चलता है कि सैंडविच केवल थोड़ा व्हिप क्रीम के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। स्वादिष्ट, तुम चक्कर देखो चेल्स, तुम्हें पसंद आएगा। तुम और आदि गलत नहीं हो सकते, तुम्हारे पास कोई टेस्ट बर्ड है या नहीं, यह भयानक है। इसका मतलब मेरे लिए और ज्यादा है, स्वादिष्ट है। माइक, तुम्हें सच में उसे पूरी चीज को नहीं खानी चाहिए। हमारा अगला घुमावदार मेन्यू है M&M's। प्यारी चेल्सी, मेरा सुझाव है कि हम उन्हें कुछ टमाटर सॉस के साथ मिलाएं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, मैं बस थोड़ा लकीर से हटकर चल रहा हूँ। चलो आज केवल अजीब कॉम्बिनेशन, एकदम अलग। तुम्हें यह चाहिए, एक कटोरा मामा भालू के लिए और एक पापा भालू के लिए और एक जार टोमेटो सॉस हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी माइक। बेशक तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह टमाटर कैंडी का समय है। एक सेकंड रुको, क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ गायब है? ओह, तुम नमक और काली मिर्च के बगैर टमाटर सॉस कैसे खा सकते थे? शायद हमें इसकी जरूरत ना हो, मैं सच कहता हूँ कि यह काम काफी बुरा है। चेल्स, केवल अजीब संयोजन एकदम मुश्किल सही है ना? तुम्हारा ही कहना है, मेरा नहीं। तुमने मुझे लपेट दिया, अब एक ही चीज करना है, इसे अच्छे से मिलाओ और खाओ। कैसी कैसी चीजें हम सोच लेते हैं समय बिताने के लिए। मेरा मतलब है यह उतना बुरा नहीं है, मैं इसे कर लूंगा। अगर हम किसी से कहें तो उन्हें लगेगा कि हम पागल हो गए हैं, पर ईमानदारी से यह सच में स्वादिष्ट है। मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा और वास्तव में मुझे काली मिर्च मिल रही है, इसे छोड़ देना चाहिए। तुम मेरी खिंचाई कर रही हो ना, यह बहुत खराब है, मैं इसे फेंक रहा हूँ। तुम अच्छे तरीके से खाने के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं है। शायद तुम सही हो, शायद बहुत बहुत दिनों के बाद मुझे ये खाने का मन करे। हालांकि इसमें संदेह है, निश्चित रूप से जल्दी नहीं। छी, तुम्हारा क्या ख्याल है, प्रत्येक के लिए एक चॉकलेट? आज नहीं माइक। क्यों नहीं? क्योंकि यह अचार का समय है, इसलिए इसे फेंक दो और इसके लिए तैयार हो जाओ। ईमानदारी से कहूँ तो अचार मुझे पसंद नहीं है। अच्छा है कि तुम इसे पसंद करना सीख लो और जल्दी। ठीक है, पर इस मामले में वे चॉकलेट उस टेबल पर रहेंगे, इस तरह से तुम खुश रहोगी और मैं भी। इसके अलावा यह आज की चुनौती के लिए पूरी तरह से फिट है, तो फिर इस चॉकलेट के पूल में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाओ। हम वास्तव में अजीब जोड़ी है, तुम और मैं। तुम मुझे बता रही हो, मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। तुम पहले जाना चाहते हो माइकी? मैं सोच रहा हूँ कि इसे एक साथ करते हैं। चेल्स, तीन की गिनती पर, एक दो तीन। इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। शायद अचार चॉकलेट में डूबा हो। फिर से, वास्तव में ये मुझे पसंद है। इसमें कुछ है मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। सुनो माइक, हमें अपना कैंडी की दुकान खोलनी चाहिए। हम वहाँ इस तरह के अजीब कॉम्बो की पेशकश करेंगे और ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा विचार है चेल्सी, कल हम बैठकर अपनी व्यापार की योजना तैयार करेंगे। आप कुछ लजीज स्वादिष्ट पिज्जा, थीन क्रस्ट, मेरी पसंदीदा, एक प्लेट पर सभी बेहतरीन चीजें। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। पर हमारे पास वो सामान्य पुराना पिज्जा नहीं है, बल्कि गमी वाले पिज्जा है। क्या तुम तैयार हो? मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। क्या तुम शर्त लगा सकती हो कि हम पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कुछ ऐसी कोशिश की होगी?
और एक गुप्त सामग्री। मेरा कहना है कि कुछ बड़ा करो या कुछ मत करो। और मेरी डिक्शनरी में बहुत मीठी जैसी कोई चीज नहीं है। और यह अभी भी पूरा नहीं है, अभी भी कुछ बचा हुआ है। अब सोने पर सुहागा यह होगा कि इस पर ऊपर से डालेंगे स्केटल्स, मेरा पसंदीदा। इसे डालेंगे और हमारी अजीब खाद्य चुनौती का नया व्यंजन तैयार हो जाएगा। हमने बहुत अच्छा बना लिया। हाँ सच में चेल्स, पहला टुकड़ा हमेशा सबसे अच्छा होता है और मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। यह इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। और अगर पहला बाइट अच्छा है तो हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। ओह हाँ, एकदम सही। मुझे नहीं पता, मैं यह कह सकता हूँ कि यह हमारी सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं है। हाँ मुझे इस बार तुमसे सहमत होना पड़ सकता है माइक, पर हमें यकीन करने के लिए मैं दोबारा चखने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि पिज्जा पर जाने वाली एकमात्र मीठी चीज अनानास है। मुझे पता है ये एक विवादास्पद बयान है, लेकिन यह सच है। ओरियो हमेशा मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। सच में जब आप बच्चे होते हैं तो ये सब आप पर खूब खाते हैं। मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं, तुम उस समय इतनी पतली दुबली नहीं थी। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद माइक, और उसके लिए मैं तुम्हें एक मीठा अंडे वाला सरप्राइज दूंगी। मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने तो सिर्फ सच कहा है। चीजों को जानने की कोशिश मत करो, धुआं जल्द ही तुम्हारे कानों से बाहर निकलने वाला है और आग बुझाने का समय नहीं है। बहुत आसान है ओरियो के साथ खाना। हाँ जैसा कि मैंने ऑर्डर दिया था, और मेरे लिए भी एक। वास्तव में पता नहीं कैसा होगा, इसे चाकू और कांटे के साथ खाने की कोशिश करो माइक। धन्यवाद दोस्त, मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा। मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम जो कुछ भी बनाती हो वो स्वादिष्ट होता है चेल्सी। मुझे विश्वास है कि यह कोई अपवाद नहीं होगा, लेकिन यह पहला कौर तुम्हारा है। ओह कितना अच्छा, और बदले में मुंह खोलो और यह रहा। तुम्हारी तरफ से यह ज्यादा स्वादिष्ट है, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मीठा और नमकीन। सच में 100% चेल्स, हम इसे ग्रैंड स्लैम भी कह सकते हैं। मेरा एकमात्र पछतावा है कि यह पहले क्यों नहीं आया, मुझे पसंद आया। अब से यह मेरा आधिकारिक तौर पर पसंदीदा नाश्ता है, मैं इसे रोज खाऊंगा। क्या तुम इसे नहीं खाओगी? मैं अभी भी थोड़ा भूखा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रख सकता हूँ। और आपको लगता है कि लड़कियां अजीब होती हैं? तस्वीर का दूसरा पहलू है यह। टमाटर के साथ क्या मिला सकते हैं? मुझे सोचने दो। ओह आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है? हम लोग खाना बनाने के सारे नियम को ताक पर रख रहे हैं, पर आज तो हम यही करना चाह रहे हैं ना? तो नियमों को एक किनारे करो और इस पागलपन को जारी रखते हुए टमाटर मिल्कशेक बनाते हैं। मेरे हाथ के मिक्सर के साथ कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है, मैं तो मिक्स करने में महान हूँ। तुम्हें पता है वास्तव में पाक कला में रचनात्मकता के लिए नोबेल पुरस्कार होना चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है चेल्सी? यह एक जीनियस आइडिया है माइक, हम तो उसे मिनटों में जीत लेते। ठीक है फिर, मुझे लगता है यह तैयार है। हाँ लग तो रहा है, अब बस हमारी रचना को सैंपल बनाना बाकी है। दुनिया इस दिन को याद करेगी चेल्स, जिस दिन मानव ने पहली बार टोमेटो आइसक्रीम बनाने की कोशिश की। शर्माओ मत, वरना तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। और आप भी ना शर्माएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना ना भूले। अपने दोस्तों को भी हमारे बारे में बताएं। बहुत स्वादिष्ट, कितना अच्छा है। अरे यह तो मेरा ही आइडिया था जो मैं लेकर आई। क्या सच में? तब फिर उस मामले में तैयार हो और फायर। माइक ओह तुम ऐसे बच्चे की तरह क्यों हो? वो तो जब मैं मिल्कशेक पीता हूँ तो मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है। हाँ बहुत अजीब बात है, गुस्सा मत करो, मैं फिर से नहीं करूंगा, माफ कर दो मुझे। ठीक है बुद्धू, प्यार करो लड़ाई नहीं, बेशक मैं तुमसे इस नए डिजर्ट आविष्कार पर लड़ सकता हूँ। आप अपनी रसोई घर जाने से पहले इन ब्लूपर्स का आनंद ले सकते हैं अपने खुद के रोचक कॉम्बो के साथ। आने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।